डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में सेल्समैन रोजाना बिल लेकर मार्केट जाता है ऑर्डर और पेमेंट के लिए। अधिकतर रिटेलर्स और होलसेलर्स वन शॉट पेमेंट नहीं करते बल्कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट वीक वाइज जमा करते हैं जब भी सेल्समैन उनकी शॉप पर विजिट करता है, और सेल्समैन उस अमाउंट को बिल पर डेट वाइज मेंशन करते जाता है, और शाम को डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट कलेक्शन समरी प्रिपेयर करता है कि किस रिटेलर या होलसेलर ने कितना पैसा जमा किया है और कितना बैलेंस है। तो इस तरह की एक फुल्ली ऑटोमेटिक पेमेंट कलेक्शन शीट एक्सेल में कैसे तैयार करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। इस पेमेंट कलेक्शन शीट में सबसे पहले कस्टमर्स की डिटेल्स दी गई हैं, कस्टमर नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और इनवॉइस अमाउंट। इनवॉइस डेज यानी कौन सी इनवॉइस कितने दिन पुरानी है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे। कलर स्केल भी यहाँ पर चेंज होते रहेंगे, अधिक पुरानी इनवॉइस डार्क रेड कलर से हाईलाइट होगी। यहाँ पर टोटल पेड अमाउंट और यहाँ पर बैलेंस शो होगा। इनवॉइस डेज में जो भी पेमेंट क्लियर हो जाएगी तो वहां पर क्लियर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये जो कस्टमर है इसका बैलेंस अमाउंट है जीरो, यानी जो भी इसका इनवॉइस अमाउंट था वो इसने यहाँ पर पे कर दिया है, तो यहाँ इनवॉइस डेज में लिखा आ गया है क्लियर। मार्केट से जो भी कलेक्शन आएगी वो यहाँ पर हम डेट वाइज एंटर करेंगे, यहाँ पर जो भी डेट होगी। अब क्योंकि आज है डेट 27th और 27th को है संडे, और संडे में हमने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है, यानी इसमें हम एंट्री नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर हम कोई भी अमाउंट एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का पॉपअप आएगा, टुडे इज वीकली ऑफ। इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, और सपोज हम यहाँ ये 28 अगस्त में हैं तो यहाँ पर हम कस्टमर वाइज पेमेंट अपडेट करते हैं। ये जो फर्स्ट कस्टमर है इसका जो बैलेंस अमाउंट है वो है 11,960, इसमें हम 1,960 मान लीजिए जमा कर देते हैं और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब इस कस्टमर का बैलेंस अमाउंट हो गया है 10,000, और यहाँ ये सेल ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गई है। इस कस्टमर का बैलेंस अमाउंट हो गया है यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर लिखा है क्लियर, यानी इस कस्टमर का कोई भी पेमेंट बैलेंस नहीं है क्योंकि पहले यहाँ पर ये पे कर चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इस कस्टमर ने पे किया है। मान लीजिए यहाँ पर ये जो कस्टमर है इसका बैलेंस अमाउंट है 11,000, और वो हम यहाँ पर 100% डिपॉजिट कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है क्लियर्ड और बैलेंस अमाउंट हो गया है जीरो। तो इस तरह से आप यहाँ पर डेट वाइज और इनवॉइस नंबर वाइज पेमेंट यहाँ पर अपडेट करेंगे, और यहाँ पर सभी पेमेंट्स का टोटल नीचे आता रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल इनवॉइस अमाउंट इतना है और टोटल पेड अमाउंट इतना और बैलेंस अमाउंट इतना है। डेट वाइज पेमेंट का टोटल भी यहाँ पर आपको दिखता रहेगा जो भी पेमेंट कलेक्शन होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मंथ्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है, जो भी मंथ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसी मंथ के लिए ये पेमेंट कलेक्शन शीट रेडी हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ पर अगस्त सिलेक्टेड है, अब हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर सितंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेमेंट कलेक्शन शीट सितंबर के लिए प्रिपेयर हो गई है, और इसी तरह से यहाँ से ईयर चेंज कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन से। जो भी ईयर आप सिलेक्ट करेंगे उसी ईयर और उसी मंथ के लिए ये पेमेंट कलेक्शन शीट प्रिपेयर हो जाएगी। तो चलिए सीखते हैं इस फुल्ली ऑटोमेटिक पेमेंट कलेक्शन शीट को तैयार करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कस्टमर्स का डेटा हमने पहले से ही लिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर इन कॉलम्स को हेडिंग देंगे, उसको नेम देंगे हम सीरियल नंबर, नेक्स्ट कस्टमर नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और नेक्स्ट अमाउंट। अब ये अमाउंट वाले कॉलम से पहले इनवॉइस डेज के लिए हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, तो इस कॉलम में कहीं भी क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और कॉलम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करेंगे, तो कॉलम यहां पर इंसर्ट हो गया है। इस कॉलम को हम नेम देंगे इनवॉइस डेज। इस कॉलम में हम इनवॉइस डेज कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट कॉलम हम यहां पर रखेंगे टोटल पेड और फिर बैलेंस। अब यहां पर इन कॉलम्स की विड्थ को हम एडजस्ट करेंगे, तो कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और विड्थ यहां पर एडजस्ट करेंगे इस तरह से। यहां पर इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां होम पर क्लिक करेंगे
और यहां से सेल स्टाइल चेंज कर लेंगे। इस सेल में हम टाइप करेंगे मंथ और इसके नीचे वाली सेल में हम टाइप करेंगे ईयर। इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, इनके भी सेल स्टाइल को हम यहां से चेंज कर लेंगे, ये सेल स्टाइल रखेंगे। और इन सेल्स में हम मंथ और ईयर्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो पहले हम यहां पर इस सेल में मंथ्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए पहले हम यहां पर एक और शीट इंसर्ट करेंगे और यहां पर मंथ नेम्स टाइप कर लेंगे। तो यहां पर फर्स्ट नेम टाइप करना है केवल, एंटर करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसको नीचे तक ट्रैक कर लेंगे दिसंबर तक। तो सभी मंथ नेम्स यहां पर आ जाएंगे। वापस शीट वन पर आएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए डेटा पर जाएंगे और यहां डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और यहां अलाउ मी लिस्ट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। सोर्स बॉक्स में हम या तो नेम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं या फिर रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्योंकि हमने मंथ नेम्स पहले से ही टाइप किए हुए हैं तो यहां शीट टू पर आएंगे और यहां पर इन रेंज को सेलेक्ट कर देंगे और यहां से ओके करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहां पर मंथ्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। करंट मंथ को हम यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे अगस्त। अब यहां ईयर्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, डेटा पर क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, अलाउ मी लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां सोर्स बॉक्स में हम रेंज नहीं देंगे, डायरेक्टली ईयर नेम्स टाइप कर लेंगे जिन भी ईयर्स के लिए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं और यहां से ओके करेंगे। तो सभी ईयर्स के लिए यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएगी। करंट ईयर को हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे, यहां पर इस सेल को भी हम लेफ्ट में अलाइन कर लेंगे इस तरह से। अब इन तीनों सेल्स को यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और इनके सेल स्टाइल्स को चेंज करेंगे। सेल स्टाइल रखेंगे हम ये, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसमें एक फंक्शन अप्लाई करेंगे, डेट वैल्यू फंक्शन इक्वल डेट वैल्यू टाइप करेंगे। ये देखिए डेट वैल्यू फंक्शन यहां पर आ गया, डबल क्लिक करेंगे। टेक्स्ट के लिए हम यहां पर 1 को डबल कोटेशन के अंदर टाइप करेंगे और एम्परसेंड साइन लगाएंगे कॉन्केटिनेट के लिए और ये मंथ वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर से कॉन्केटिनेट एम्परसेंड साइन लगाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ईयर वाली सेल को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां पर देखिए ये जो मंथ है अगस्त, इसकी फर्स्ट डेट यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये सेल डेट फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको डेट फॉर्मेट में कर लेंगे। तो यहां से ये शॉर्ट डेट पर कर लेंगे इसको। आप देख सकते हैं यहां पर इस मंथ की फर्स्ट डेट यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई है। इस सेल में हम टाइप कर देंगे 2, सेंटर में अलाइन कर लेंगे इसको और इस कॉलम की विड्थ को भी हम इसके बराबर कर लेंगे। तो इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और कॉलम विड्थ एडजस्ट करेंगे। अब यहां पर इस सेल में हम इस मंथ की लास्ट डेट यहां पर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहां पर ईओ मंथ फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो इक्वल प्रेस करेंगे, ईओ मंथ टाइप करेंगे, स्टार्ट डेट के लिए हम यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे कॉमा और सेम मंथ की हम लास्ट डेट यहां पर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। इस सेल को भी डेट फॉर्मेट में कर लेंगे। अब देख सकते हैं यहां पर इस मंथ की फर्स्ट और लास्ट डेट यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई है। जैसे ही यहां से मंथ नेम चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली डेट्स यहां पर चेंज हो जाएंगी। ईयर भी आप यहां पर चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली डेट्स यहां पर चेंज हो जाएंगी, ये आप यहां पर देख सकते हैं। अगर यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे फरवरी मंथ तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट और लास्ट डेट यहां पर रिफ्लेक्ट होंगे। अभी यहां पर हम अगस्त सिलेक्ट करेंगे और ईयर सिलेक्ट करेंगे 2023। अब यहां पर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे और ये फर्स्ट डेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां पर सेम डेट रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो डेट यहां इस सेल में अवेलेबल होगी। परंतु हमें यहां पर डेट इस तरह से नहीं चाहिए, हमें डेट चाहिए यहां पर सिंगल डिजिट में। तो इसके लिए कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी, कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप में केवल सिंगल डी टाइप करेंगे। तो यहां पर हम सिंगल डी छोड़ देंगे और यहां से ओके करेंगे तो ये डेट सिंगल डिजिट में आ जाएगी। कॉलम विड्थ कम करेंगे। अब यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट सेल को,
इक्वल प्रेस करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करके इसमें प्लस वन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको आगे तक ड्रैग करेंगे, 31 तक हमने यहां पर कर लिया है। अब इसमें एक समस्या ये रहेगी कि मान लीजिए जिस मंथ में 31 से कम डेज होंगे तो वहां पर नेक्स्ट डेट रिफ्लेक्ट होगी। जैसे अभी यहां पर अगस्त सिलेक्टेड है, हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं सितंबर। अब देखेंगे लास्ट में 30 के बाद 1 भी आ गया है, तो ये यहां पर रिफ्लेक्ट ना हो इसके लिए हम यहां पर इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे हम और इसमें इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल इफ टाइप करेंगे। ये देखिए फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। इफ फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लॉजिकल टेस्ट। हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि यदि इस सेल की वैल्यू इससे कम है तो यहां पर इस सेल को हमने सिलेक्ट कर दिया है, लेस देन साइन लगाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इस सेल एड्रेस को हम फुल्ली फिक्स करेंगे F4 प्रेस करके, कॉमा, और ये कंडीशन यदि मैच हो जाती है तो हम चाहते हैं यहां पर इस सेल में 1 ऐड हो जाए, तो सेल को सिलेक्ट किया, प्लस करेंगे, 1 करेंगे, कॉमा, और अगर ऐसा नहीं होता है यानी वैल्यू इफ फॉल्स तो सेल ब्लैंक हो जाए। ब्लैंक के लिए दो बार डबल कोटेशन टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां पर आ गया है 2। अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको आगे तक ड्रैग करेंगे। अब देखिए जहां पर 1 लिखा है वो सेल ब्लैंक हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं यहां पर। अगर मंथ यहां पर 28 या 29 का भी होगा तो आगे की सेल्स ब्लैंक हो जाएंगे। अब इन डेट वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, सभी कॉलम्स को, और किसी एक कॉलम की विड्थ यहां पर कम करेंगे तो सभी कॉलम की विड्थ यहां पर एडजस्ट हो जाएगी। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां से मिडिल में अलाइन करेंगे, यहां फिल कलर पर जाएंगे और यहां से ये रेड कलर फिल कर लेंगे, फॉन्ट करेंगे व्हाइट और बोल्ड रखेंगे। अब जैसे यहां पर मंथ नेम और ईयर चेंज करेंगे तो ये डेट अकॉर्डिंगली यहां पर चेंज होती रहेंगी। अब यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम डे के लिए टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो इक्वल प्रेस करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन टाइप करेंगे। देखिए टेक्स्ट फंक्शन यहां पर आ गया, डबल क्लिक करेंगे। तो टेक्स्ट फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वैल्यू, इसके लिए हम यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए हम यहां पर डबल कोटेशन के अंदर 3 बार डी टाइप करेंगे, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। अब इस सेल को यहां से ड्रैग करेंगे तो सभी सेल्स में डेज आ जाएंगे इस तरह से। इन सेल्स को भी हम यहां पर सेंटर में अलाइन करेंगे इस तरह से, और यहां फिल कलर पर जाकर बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे और यहां से बोल्ड करेंगे, तो डेज भी यहां पर रिफ्लेक्ट हो गए हैं। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू डेट्स डेज भी रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। अब यहां पर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और होम पर जाएंगे और यहां मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे। अब इसी तरह से इन सभी सेल्स को हम यहां पर मर्ज कर लेंगे ऊपर वाली सेल्स के साथ। इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और यहां से मिडिल में अलाइन करेंगे, बोल्ड रखेंगे और यहां से फिल कलर पर जाकर कोई बैकग्राउंड कलर फिल कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे यहां तक और जहां तक भी हमारा डेटा है, होम पर जाएंगे और यहां बॉर्डर्स पर जाकर ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे, तो सभी सेल्स में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब यहां व्यू पर जाकर ग्रिड लाइंस को रिमूव करने के लिए ये ग्रिड लाइंस के सामने बने चेकबॉक्स को अनचेक करेंगे तो सभी ग्रिड लाइंस यहां से रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और यहां मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे और इसमें टाइप करेंगे टोटल, बोल्ड करेंगे। अब यहां पर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और फिल कलर पर जाकर बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड करेंगे। यहां पर बैलेंस अमाउंट के लिए फंक्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो अमाउंट में से यहां पर हम माइनस करेंगे टोटल पेड और एंटर प्रेस करेंगे। सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो सभी सेल्स में फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। इनवॉइस डेज के लिए हम यहां पर टुडे फंक्शन अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए टुडे फंक्शन आ गया है। टुडे फंक्शन करंट डेट रिटर्न करता है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे इस डेट को करंट डेट में से और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां पर इस तरह से डेट रिफ्लेक्ट होगी। इसको हम यहां पर जनरल फॉर्मेट में करेंगे तो डेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे।
हम यहां पर चाहते हैं कि 18 के साथ डेज भी लिखा हो यहां पर रिफ्लेक्ट हो, तो कंट्रोल वन प्रेस करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहां से जर्नल को रिमूव करेंगे, हैश टाइप करेंगे, डबल कोटेशन स्टार्ट करेंगे, डबल कोटेशन के बाद हम यहां पर स्पेस दे देंगे और डेज टाइप करेंगे, डबल कोटेशन क्लोज और यहां से ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर 18 डेज लिखा हुआ गया है। अब इस सेल को यहां से सिलेक्ट करेंगे और यहां तक ड्रैग कर लेंगे तो सभी डेज यहां पर रिफ्लेक्ट होंगे। होम पर जाएंगे और यहां से मिडिल में अलाइन कर लेंगे। अब यहां पर हम चाहते हैं कि जिस इनवॉइस का पेमेंट क्लियर हो जाए, यानी बैलेंस अमाउंट जिसका जीरो हो जाए, ये बैलेंस अमाउंट, तो यहां पर लिखा जाए क्लियर। तो इसके लिए हम यहां पर इस फंक्शन को विजिबल करेंगे F2 प्रेस करके, और ये टुडे फंक्शन से पहले इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, इफ, और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, बैलेंस वाली सेल को, यानी यदि इस सेल की वैल्यू जीरो के बराबर है तो यहां पर लिखा आ जाए क्लियर। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जीरो टाइप करेंगे, कॉमा, और डबल कोटेशन के अंदर टाइप कर देंगे क्लियर, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, कॉमा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां पर नंबर ऑफ डेज आ जाए, इनवॉइस डेज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, तो क्योंकि अभी कोई भी पेमेंट यहां पर क्लियर नहीं है, सभी का बैलेंस अमाउंट यहां पर दिख रहा है, तो क्लियर किसी में भी यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। अब इन सेल्स में हम यहां पर कलर स्केल अप्लाई कर लेंगे। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे, होम पर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, कलर स्केल्स पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए ये कलर स्केल हम अप्लाई करेंगे, रेड येलो ग्रीन कलर स्केल इस तरह से। अब यहां पर आप देखेंगे जो इनवॉइस ज्यादा पुरानी होगी वो डार्क रेड कलर से हाईलाइट होगी। यहां टोटल पेड के लिए हम सम फंक्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल सम टाइप करेंगे, ये देखिए सम फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे और इसके लिए हम यहां पर इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अभी क्योंकि यहां पर कोई भी पेमेंट एंटर नहीं की गई है तो टोटल पेड अमाउंट आ गया है जीरो। इसको यहां से नीचे तक ड्रैग करेंगे और मिडिल में अलाइन करेंगे, सेंटर में, इन रेंज को भी सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में अलाइन करेंगे, इन रेंज को भी सिलेक्ट करके सेंटर में अलाइन करेंगे। अब जो भी अमाउंट यहां पर हम एंटर करेंगे, जैसे यहां पर है 10,786 अमाउंट, 10,000 मान लीजिए हम यहां पर जब एंटर कर देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर टोटल पेड अमाउंट आ गया है इतना और बैलेंस अमाउंट आ गया है इतना। अब यहां पर जो अमाउंट बचा है वो है 786। अब मान लीजिए हम यहां नेक्स्ट सैटरडे में जो बैलेंस अमाउंट है इसको भी डिपॉजिट कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा आ गया है क्लियर। इस तरह से यहां पर पेमेंट एंटर की जाएंगे। यहां पर देखिए हम ये जो पेमेंट कलेक्शन शीट है इसको करंट मंथ के लिए अपडेट कर लेते हैं, अगस्त। अब यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट के टोटल के लिए ऑल्ट प्रेस करके इक्वल प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां पर सम फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब इसको आगे तक ड्रैग कर लेंगे यहां तक, क्योंकि हम सभी डेट्स का टोटल यहां पर करना चाहते हैं। होम पर जाएंगे और यहां से मिडिल में अलाइन करेंगे। अब यहां पर हम चाहते हैं कि जो भी संडे हो या जो भी वीकली ऑफ हो वो कॉलम रेड कलर से हाईलाइट हो जाए, तो यहां पर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए होम पर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, न्यू रूल पर क्लिक करेंगे और यहां यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको थोड़ा आगे रखेंगे, इक्वल इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें डे लिखा है फर्स्ट, और इसमें हम रो को फिक्स रहने देंगे, कॉलम को फिक्स नहीं रखेंगे, तो कॉलम के सामने से डॉलर साइन को रिमूव करेंगे, कॉलम है यहां पर आई, डॉलर साइन को रिमूव कर देंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और डबल कोटेशन के अंदर संडे टाइप करेंगे। अब देखिए यहां पर जो कंडीशन अप्लाई की हमने, यदि ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है, यहां फॉर्मेट पर क्लिक करके फॉर्मेट सेट करेंगे, तो हम चाहते हैं वो कॉलम रेड कलर से हाईलाइट हो जाए और यहां से ओके करेंगे, यहां से भी ओके करेंगे। अब देखिए जहां पर भी संडे होंगे वहां पर इस तरह से कॉलम्स हाईलाइट हो जाएंगे। मंथ भी आप चेंज करेंगे तब भी संडे जो होंगे
वो यहां पर हाईलाइट हो जाएंगे इस तरह से। फिलहाल हम इसको अगस्त पर ही रखेंगे। अगर संडे की जगह कोई और वीकली ऑफ आप करते हैं तो संडे की जगह उस डे को टाइप करेंगे, जिस भी दिन आप वीकली ऑफ रखते हैं। अब यहां पर हम एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेंगे, तो इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे फिर से, और हम चाहते हैं यदि सेल में कुछ लिखा हो तो सेल ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पर जाएंगे, ग्रेटर देन क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे जीरो, और यहां से फॉर्मेटिंग सेट कर लेंगे। फॉर्मेटिंग हम यहां पर रखेंगे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ओके करेंगे। अब जब भी हम यहां पर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो यहां पर जैसे हम पेमेंट टाइप कर देते हैं 13,000, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर ये ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गई। अब यदि आप यहां पर वीकली ऑफ में डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और होम पर जाएंगे, डेटा पर क्लिक करेंगे और यहां डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, यहां अलाउ में कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस सेल को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी हम रो को फिक्स करेंगे, कॉलम को फिक्स नहीं करेंगे और यहां पर नॉट इक्वल के लिए लेस देन और ग्रेटर देन साइन लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर टाइप करेंगे संडे, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे और यहां एरर अलर्ट में मैसेज टाइप कर देंगे जो भी आप मैसेज रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं और यहां से ओके करेंगे। अब यदि हम यहां पर संडे में कुछ टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए यहां पर इस तरह का मैसेज आ जाएगा, यानी आप जो वीकली ऑफ होगा उसमें कुछ भी एंटर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या रहेगी, जैसे ही आप आगे की तरफ इसको स्क्रॉल करेंगे तो पीछे के हेडर्स यानी कस्टमर नेम, इनवॉइस डिटेल आदि ये सभी हाइड हो जाएंगे, तो इसके लिए हम यहां पर फ्रीज पेज का उपयोग करेंगे। तो इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे यहां पर और व्यू पर जाएंगे और यहां फ्रीज पेज पर क्लिक करेंगे और यहां फ्रीज पेज पर क्लिक कर देंगे। अब ये डेटा यहां पर हाइड नहीं होगा जिसमें कस्टमर डिटेल्स हैं, तो जिस भी डेट में आप यहां पर एंटर करना चाहते हैं उस डेट में इजीली एंट्री कर पाएंगे। जैसे हम यहां पर ये 29 को एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस तरह से एंट्री कर पाएंगे इस तरह से, और जब अमाउंट यहां पर क्लियर हो जाएगा, फुल अमाउंट क्लियर हो जाएगा तो यहां पर लिखा जाएगा क्लियर्ड। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस फुल्ली ऑटोमेटिक पेमेंट कलेक्शन शीट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।